हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम सूरज कुमार। इस वीडियो को देखने वालों को प्यार भरा नमस्कार। पिछली वीडियो में काफ़ी सहयोग किए आप लोगों ने, लाइक किए, शेयर किए, कमेंट किए, ऐसे ही हमारे ऊपर अपनी सेवा बनाए रखें। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कोर की बनावट के अनुसार ट्रांसफार्मर मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक कोर टाइप, नंबर दो सेल टाइप, नंबर तीन बैरी टाइप। ठीक है दोस्तों, तो ये हुए कोर के से बनावट हुए ट्रांसफार्मर। तो उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर ऑन करिए, जिससे हमारी वीडियो सबसे पहले देखने का मौका मिलेगा। तो चलते हैं हम कोर टाइप ट्रांसफार्मर में। इसमें एल टाइप कोर उपयोग किया जाता है, जिसमें कोर आयताकार की उपयोग किया जाता है। ये सिलिकॉन स्टील की धातु की बनाई जाती है। इसके चार लिम्ब होती है, लिम्ब मतलब जो चार कोने होते हैं। ये क्षेत्रफल के एक दूसरे के बराबर होते हैं। प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग की दो विपरीत लिम्ब पे ऊपर की जाती वाइंडिंग, ठीक है। और इसमें चुंबकीय रेखाएं के लिए केवल एक ही रास्ता होता है, ये ध्यान देना। इसमें जो EMF जनरेट होता है, इसमें सिर्फ एक ही रास्ता होता है, जब और बाकियों में एक रास्ता नहीं होता, ठीक है। ये होता है कोर टाइप का मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसमें क्या होता है, चुंबकीय रेखाओं के लिए मात्र एक ही रास्ता होता है। आप देख रहे होंगे वीडियो में, जैसे कि एरो का निशान बनाया ऊपर जो बाइंडिंग की हुई है, PS और PS सेकेंडरी मतलब प्राइमरी फर्स्ट प्राइमरी सेकेंड, फ्लक्स जहाँ फ्लक्स लिखा है, फ्लक्स सिर्फ एक ही रास्ता से प्रभाव हो पा रहा है, इसी को हम कोर टाइप ट्रांसफार्मर कहते हैं, ठीक है। आगे का मैं बताऊंगा आपको सेल टाइप ट्रांसफार्मर, ठीक है। सेल टाइप ट्रांसफार्मर क्या होता है, यह पतली पत्तियों, यह ट्रांसफार्मर पतली पत्तियों के मिलने से बनता है। इसमें तीन लिम्स होती है, तो यह बीच में वाली लिम्स एरिया पे बाहरी की लिम्ब की दुगुना होती है। प्राइमरी और सेकेंडरी बाइंडिंग बीच वाली, इसमें मुख्य ये है कि जो हम बाइंडिंग करते हैं बीच वाले लिम्ब से ऊपर हम बाइंडिंग करते हैं। इस प्रकार इस ट्रांसफार्मर में जो कोर होते हैं, ई और आई के आकार पत्ती का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसलिए इस पर दो मार्ग होते हैं। इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र मतलब EMF जनरेट होता है, इसमें दो रंग मतलब दो रास्ते मिलते हैं, जिस तरह आपको दिखाया जा रहा होगा फिगर्स में। इसमें दो रास्ते से EMF जनरेट होता है, फ्लक्स जनरेट होता है, ठीक है। जैसे देख रहे हो सेकेंडरी बाइंडिंग, उधर प्राइमरी बाइंडिंग, ठीक है। तो एक एक करके हमने निकाल लिया, तो बीच में जो EMF जनरेट हो रहा है वो इसमें दो मार्ग से जनरेट हो रहा है, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे से सेल टाइप ट्रांसफार्मर समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये रहे सेल ट्रांसफार्मर के खूबियाँ, ठीक है। तो इसमें आपको पता चल गया दो जगह से EMF जनरेट होता है, और जबकि कोर ट्रांसफार्मर सिर्फ एक जगह EMF जनरेट होता है। अब हम चलते हैं मुख्य ट्रांसफार्मर बैरी टाइप ट्रांसफार्मर, ठीक है। इसे बैरी ट्रांसफार्मर कहते हैं। इस प्रकार ट्रांसफार्मर विपरीत कोर, ठीक है, डिफरेंट कोर टाइप ट्रांसफार्मर भी कहते हैं, ठीक है। यह ट्रांसफार्मर छोटे होते हैं, लेकिन दूसरे दोनों के प्रकार ट्रांसफार्मर के गुण इनमें पाए जाते हैं। चुंबकीय कोर आयतकार होती है और कॉयलों के चारों कोर लपेटी जाती है। तार को कम करने के लिए बाहर कॉयलों की अपेक्षा कोर के बीच में वाली लंबी तथा क्रॉस कनेक्शन कुछ कम बनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। आप देख रहे होंगे जैसे कोर है, उसके बाद हवी वाइंडिंग है, ये मतलब एक दूसरे के ऊपर कॉयल लपेट दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें अधिकतर क्रॉस कनेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसमें चुंबकीय के रास्ते बनने जाते हैं, इसमें बहुत कम रास्ते बनते हैं चुंबकीय फ्लक्स का, इसे बैरी टाइप ट्रांसफार्मर कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ट्रांसफार्मर का प्रयोग में लाया जाता है।
तो जैसे वोल्टेज के अनुसार ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। बैरी ट्रांसफार्मर में मतलब, ठीक है, नंबर एक, ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है, ये बैरी ट्रांसफार्मर के अंदर आता है, जैसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप मतलब क्या होता है, वह ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज से अधिक वोल्टेज में बदल देता है उसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं, जैसे 440 से 11000 वोल्ट, ओके। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, वह ट्रांसफार्मर जो अधिक वोल्ट को कम वोल्ट में बदल देता है उसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं, ठीक है। अब रही कोर की बात, कोर होती है ई और आई, टी वाई पी ई, ठीक है, टाइप होते हैं, जैसे एल टाइप, ओके, ई टाइप, आई टाइप, एल टी टाइप, यू टी टाइप, वी यू टाइप, फाइव ई टाइप, ये रहे कोर, ठीक है। ये कोर ट्रांसफार्मर बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों आज मैंने आपको बताया हूँ ट्रांसफार्मर के प्रकार, ठीक है, वो भी कोर टाइप। तो आशा करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।